नमस्कार दोस्तों, आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट का जो सेक्शन है वो करने वाले हैं। हमारी बुक में ये चैप्टर नंबर 7th है और ग्रोथ और डेवलपमेंट कोई भी टीचिंग के लिए एग्ज़ाम हो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो पीआरटी हो, चाहे वो पीआरटी के लिए तो खैर है ही, स्पेशली ये सेशन जो कि महत्वपूर्ण है। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी दूसरे एग्ज़ाम्स में ये पूछा ही जाता है, चाहे वो टीजीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो ईवीजीसी के लिए हो, स्पेशल एजुकेटर्स हो, टीजीटी या पीआरटी, उन सभी के लिए है। सो दिस चैप्टर इज़ गोइंग टू बी वेरी इम्पोर्टेंट और हम कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को आज ही इसी सेशन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की। जी बात करते हैं सबसे पहले द चाइल्ड। चाइल्ड की, बच्चे की बहुत सारी बातें की गई हैं और अगर हम इसको एंशिएंट से देखें तो इसमें एरिस्टोटल, प्लेटो ने बहुत डिफरेंट लेवल से, एक ने रैशनल बच्चे की बात की जो कि एक ने एक व्यवहारवादी बच्चे की बात की, जो कि व्यवहारवाद उस वक्त में था नहीं, परंतु हाँ जिसकी बात चल रही थी वो बिहेवियर ऑफ अ चाइल्ड की बात चल रही थी। फिर एक टर्म पीरियड आया जिस वक्त की नेचुरलिज्म की शुरुआत हुई। हम जो आज की डेट में सबसे ज्यादा जो बालक की बात करते हैं वो नेचुरलिज्म प्रिंसिपल के साथ करते हैं, यानी प्रकृतिवादी। ये जो प्रकृतिवाद था इसमें आपने पढ़ा है और हमने इस पे वीडियो बना रखी है, सो इट शुड बी अवेलेबल इन द चैनल एंड आपने देखी होगी, जिसमें कि पेस्टोलॉजी की बात होती है, फ्रबल की बात होती है और इन्होंने किस तरीके का थॉट दिया। फ्रबल, फ्रेडरिक फ्रबल, जिन्होंने कि ब्लैकनबर्ग जर्मनी में, उस वक्त वो प्रशा में होती थी जगह, तो ब्लैकनबर्ग जर्मनी में इन्होंने एक स्कूल बनाया था जिसका नाम था किंडरगार्टन। अब ये जो किंडर है, किंडर का मतलब होता है चाइल्ड और गार्टन को डिनोट किया गया था गार्डन से, बगीचा। बच्चों को उन फूलों के समान बोला गया है जो कि इस गार्डन में होते हैं और हमें उनकी देखरेख करनी चाहिए, राइट? सो बच्चों का को एक एक डेवलपमेंट के उस प्रिंसिपल में रखा प्रकृतिवादियों ने, जिसमें कि बच्चे का जो विकास होता है वो प्रकृति में, अपने एनवायरमेंट में होता है। बाद में चलकर के इसमें बायोलॉजिकल थ्योरीज और दूसरी चीजें भी शामिल हो गई। वन ऑफ द वेज यू कैन अंडरस्टैंड योर चाइल्ड इज बाय, तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है अवलोकन। अगर आप अगर किसी बच्चे को समझना चाहते हैं तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है अवलोकन करना, ऑब्जर्व करना, अपने आसपास के बच्चों को देखें और उसमें जो भी बच्चा है उसको ऑब्जर्व करें, अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों को, ऑब्जर्विंग देम एज दे स्लीप, ईट और प्ले, खेल रहे हैं, खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, उनको ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। लुक फॉर द कंसिस्टेंट ट्रेट। कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है? व्हाट इज कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी मतलब जो कि सभी जगहों पर, जो सभी जगहों पर एक रूप में आपको लगातार एक रूप आदतें, ट्रेट देखने के लिए मिल रहे हैं, लक्षण देखने के लिए मिल रहे हैं। ये जो लक्षण हैं, ये आपको प्रैक्टिकली बच्चे को समझने में मदद करेंगे। ये जरूर हो सकता है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं कि ये इस एज में होता है या इस एज में होता है, लेकिन अगर आप एक से ज्यादा बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे तो ये भी कंफ्यूजन जाता रहेगा, क्योंकि डेटा जितना छोटा हो उतनी गलती के चांसेस होते हैं, डेटा जितना बड़ा हो जाए उसमें गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। जी सर, इतने कम वॉचिंग
क्यों नोटिफिकेशन गया क्या? पता नहीं बाबू रे, तो ऐसा हो सकता है। हेलो खेमराज, ज्वाइनिंग हो गई है, कैसा चल रहा है बताएं। खैर चलिए, तो वन ऑफ द वेज किस तरीके से हम चाइल्ड डेवलपमेंट को, बच्चे के विकास को और बच्चे को समझ सकते हैं, तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है ऑब्जर्वेशन, राइट। तो डेवलपमेंट इज ए पैटर्न ऑफ डायनेमिक ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल चेंज दैट बिगिन एट द कॉन्सेप्शन एंड कंटिन्यू टू थ्रू आउट द लाइफ। अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो कुछ लोग इसको कह सकते हैं कि ये लर्निंग जैसा है, ये बिल्कुल भी लर्निंग जैसा नहीं है। डेवलपमेंट इज इक्वल टू लर्निंग नहीं है, राइट। जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको याद रखनी है वो क्या है कि डेवलपमेंट और लर्निंग में एक कॉमन फैक्टर है। वो कॉमन फैक्टर है कि ये दोनों ही जीवन पर्यंत चलते रहते हैं। लर्निंग और डेवलपमेंट दोनों जीवन पर्यंत चलते रहते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से लर्निंग डेवलपमेंट जैसा हो सकता है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, और कोई कारण नहीं है। तो ये एक पैटर्न है जो डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब होता है गतिशील, बहुत ध्यान देना है इसको। ग्रेजुअल यानी स्वतः, स्वाभाविक या नेचुरल से भी वो कर सकते हैं। प्रेडिक्टेबल, जिसका आप अंदाजा लगा सके। ये ऐसे चेंज, याद रखिएगा फिजिक्स में एक प्रिंसिपल है, फिजिक्स का एक प्रिंसिपल है जो लगभग सभी पूरे फिजिकल वर्ल्ड पे लागू होता है, चेंज इज कांस्टेंट। चेंज कांस्टेंट है, नथिंग एल्स इज कांस्टेंट। सो इफ यू गो फॉर कांस्टेंट कांस्टेंसी, देन कांस्टेंट इज ओनली चेंज। एंड अगर आप डेवलपमेंट और लर्निंग के इस कनेक्शन की बात करें, तो ये चेंज ही है जो कि डेवलपमेंट और लर्निंग को एक सा बनाता है, राइट, द ओनली फैक्टर। और जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले होता है फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि शारीरिक। हम सब एक फिजिकल यूनिट है, यानी कि भौतिक इकाई है, और हमारी इस भौतिकता का विकास यानी शारीरिक विकास होता है। उसके बाद मोटर डेवलपमेंट होता है। मोटर डेवलपमेंट को आप हमेशा याद रखिएगा, ग्रॉस मोटर स्किल से फाइन मोटर स्किल तक। और एग्जांपल ध्यान रखिएगा, एक जो छोटा बच्चा होता है वो जब किसी चीज को उठाता है तो पूरे हाथ का इस्तेमाल करता है, और जब आप बड़े हो जाते हैं तो आप किसी चीज को पकड़ने के लिए, ये पेन अगर मैं बच्चे को दूंगा तो वो पूरे हाथ का इस्तेमाल करेगा पकड़ने के लिए, यानी कि सभी पांच फिंगर्स। लेकिन अगर किसी बड़े बच्चे को दूंगा तो वो इसको एक अंगूठे और उंगली से पकड़ेगा। तो ये हुआ ग्रॉस मोटर स्किल और ये हुआ फाइन मोटर स्किल, और ये फाइन होता चला जाता है। कब तक, कब तक क्वेश्चन आता है, कब तक? तो याद रखिएगा, मैच्योरिटी तक। मैच्योरिटी तक आप ग्रॉस मोटर स्किल से फाइन मोटर स्किल्स तक जाते हैं, राइट। और मैच्योरिटी के बाद ये फाइनर होता जाता है, फाइन मोटर स्किल फाइनर होते जाते हैं। आप जिस चीज की कार्य को करते रहेंगे उस कार्यशैली में आप और ज्यादा कुशल होते जाएंगे। तो कौशल विकास ग्रॉस से फाइन की तरफ होता है, यानी जनरल से स्पेसिफिक की तरफ होता है, राइट, एज द अदर डेवलपमेंट आल्सो। इसके बाद आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो अगर हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी की बात करें, कॉग्निटिव साइकोलॉजी को हम निसर के थॉट से लेते हैं, या फिर ब्रूनर
के कार्य से लेते हैं जो कि उन्होंने पियाजे पे किया था। तो बेसिकली कॉग्निटिव साइकोलॉजी की शुरुआत पियाजे से होती है, लेकिन क्योंकि कॉग्निटिव साइकोलॉजी एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के रूप में 1960s में इस्टेब्लिश हुआ, बहुत बाद में जब पियाजे ने काम किया था उसके, तो इसलिए, लेकिन हाँ कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव से सबसे पहले जो काम किया था वो पियाजे ने किया था पूर्ण रूप से, इसलिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हम पियाजे का नाम रखते हैं। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि थिंकिंग, लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सभी चीजें किसमें आ जाती हैं? आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आ जाती हैं। और बच्चे के अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट कब से शुरू होता है, क्वेश्चन ये है। अगर क्वेश्चन ये है तो बड़ी सिंपल सा आंसर है कि बालक जन्म से ही क्यूरियस यानी जिज्ञासु होते हैं, राइट। सो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो हम ये देखेंगे कि एक जो बालक है वो जन्म से ही जानना चाहता है। सबसे पहली बात, बच्चा जन्म से ही जानना चाहता है। दूसरी बात, वो जन्म से ही कारण ढूंढना चाहता है और उसका अपना एक स्कीमा डेवलपमेंट होता है। इन तीन कारणों से हम उसे, और इसके लिए वो इस्तेमाल किस चीज का करता है, अगर हम यहां पे ये देखना चाहें कि बच्चा इसके लिए इस्तेमाल किस चीज को कर रहा है, तो इस्तेमाल कर रहा है वो अपने अनुभव को। और ये अनुभव कहां से आ रहा है? उसकी सेंसेस से आ रहा है। सो उसका जो सेंसेस डेवलपमेंट, सेंसरी डेवलपमेंट होता है, वो उसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ाता है। सो नेक्स्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास। बच्चे में भाषा का विकास कब होता है? तो आप पढ़ते हैं इन्फेंसी और चाइल्डहुड। बड़ा सिंपली याद रखिएगा, इन्फेंसी और चाइल्डहुड में जो डिवीजन की रेखा होती है वो होती है लैंग्वेज। जब बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है वो शिशु से, वो शिशु होना छोड़ देता है और वो बालक होना प्रारंभ कर देता है, राइट। लैंग्वेज डेवलपमेंट जी। नेक्स्ट इज इमोशनल डेवलपमेंट। व्हाट इज इमोशनल डेवलपमेंट? संवेग। और यहां पे कोट करना पड़ेगा एक व्यक्ति को शुरुआत के लिए, हालांकि बहुत सारे दूसरे भी लोग हैं, वॉटसन को। वॉटसन ने क्या कहा? FAL, फियर, एंगर, लव। फियर, एंगर और लव, ये तीनों क्या हैं? ये हमारे जन्मजात, ये हमारे जन्मजात इमोशन हैं। तो ये इमोशन बाद में चल करके कॉम्प्लेक्स होने लगते हैं और इसमें हमारे बहुत सारे इमोशंस का विकास हो जाता है। तो हम कैसे चलते हैं? अगर इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें तो हम चलते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। बालक में इमोशन डेवलपमेंट किस दिशा में होता है? आंसर होगा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, राइट। नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट। बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत सारे लोगों से ने इस पे रिसर्च किया, इसलिए अलग अलग आंसर भी आते हैं। क्वेश्चन बन जाता है कि भाई सोशलाइजेशन कब होता है बच्चे का? और यहां पे जो सबसे पुख्ता है वो है 18 मंथ्स।
बच्चे में सबसे पहला प्रो सोशल बिहेवियर देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू जॉन डूई। सबसे पहला प्रो सोशल बिहेवियर देखने को मिलता है बच्चे में जब वो 18 महीने का होता है, और इसी को फॉलो करता है हमारा एनसीएफ भी, और इसी को फॉलो करता है जो हमारा टीचिंग पैटर्न चलता है वो भी। तो जी, तो सोशलाइजेशन की शुरुआत आपको भी ध्यान रखनी है कि 18 महीने में होती है। हालांकि फ्रॉइड ने इसे अलग तरीके से देखा है, व्यवहारवादी इसे अलग तरीके से देखते हैं, किलपैट्रिक ने अलग तरीके से देखा है, बट हमें जो याद रखना है वो यही है कि इमोशनल डेवलपमेंट जो सोशल डेवलपमेंट जो शुरू होता है वो 18 महीने में होता है। ये वो टाइम होता है जब एक बच्चा दूसरे बच्चे के सामने अगर रोने लगता है तो इस बच्चे को भी रोना आ जाता है, तो वो बिहेवियर दिखाता है, उसे प्रो सोशल एम्पथी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रो सोशल एम्पथी। इसका एक और एग्जाम्पल भी होगा जिसे कि आप सेल्फ सेंट्रिज्म की एम्पथी के रूप में भी देखते हैं। जैसे अगर आपके पिता को कष्ट है, वो दुखी है, तो जो बच्चा होता है वो अपने सबसे फेवरेट खिलौने ला करके उनको ऑफर करता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये चीज, ये जो खिलौना है, ये मुझे कंफर्ट देता है तो ये मेरे पिता को भी कंफर्ट देगा। ये सोशलाइजेशन का, प्रो सोशल बिहेवियर की सबसे शुरुआत है, जिसे जॉन डूई ने कुछ इसी तरीके से बताया है। और इसके बाद में मॉरल डेवलपमेंट, आपको पढ़ना है इसके ऊपर कोलबर्ग। हालांकि शुरुआत होती है कांत से, इमैनुअल कांत से, व्हाट इज मोरालिटी, और मोरालिटी को जो कोलबर्ग ने स्टडी किया वो स्टडी किया है पियाजे की रैशनैलिटी के आधार पर। आपके अंदर रैशनल डेवलपमेंट कब होता है? आपका रैशनल अलग होता है, रैशनल मतलब तर्क का निर्माण। तो ये जो तर्क होता है ये बचपन से ही होता है, पैदाइश से ही होता है, लेकिन मुख्य रूप से आप एनोमी की स्टेज में होते हैं, यानी आप पे किसी का अधिकार नहीं होता, और 2 साल की स्टेज से आप हेट्रोनोमी, फिर रेसिप्रोसिटी, और उसके बाद में ऑटोनोमी की तरफ बढ़ते हैं। ये 4 स्टेजेस की बात की थी पियाजे ने। कहीं कहीं पे आप किसी से सुनेंगे कि 3 स्टेजेस थी, या कहीं पढ़ेंगे 3 स्टेजेस थी, बिल्कुल नहीं, 4 स्टेजेस थी। कितनी स्टेजेस थी? 4 स्टेजेस थी। एक है एनोमी, उसके बाद है हेट्रोनोमी, फिर है रेसिप्रोसिटी, और उसके बाद में है ऑटोनॉमी। 1956 में जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी बुक जो है उसमें इसकी बात करते हैं पियाजे, राइट। So, ये है सारा का सारा वो डेवलपमेंट जिसकी हम फर्दर आगे बात करने वाले हैं। अगर हम डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, सबसे पहले है डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू प्रोसेस ऑफ इंटर रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट मैटर एंड द होल ऑर्गेनिज्म। तो डेवलपमेंट होता है एक संबंध के रूप में, एक संबंध के रूप में, संबंध 2 चीजों के बीच में, एक विषय वस्तु और विषय वस्तु का जीव के साथ संबंध। यह विषय वस्तु क्या हो सकती है? विषय वस्तु कुछ भी हो सकती है, कोई भी विषय वस्तु हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है, आपका एनवायरमेंट हो सकता है, आपके आसपास फैमिली हो सकती है, आपके दोस्त होते हैं, आपका खाना पीना, बाहर जाना, इन सभी चीजों के विषय में आप डिवेलप होते हैं। आप डिवेलपमेंट हमेशा रिलेशनशिप के रूप में करते हैं, संबंध के रूप में करते हैं। दूसरा, जी, डिवेलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरैक्शन ऑफ बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशो इमोशनल प्रोसेस। डिवेलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, डिवेलपमेंट किस चीज से प्रभावित होता है? प्रभावित होता है एक
अन्योन्य क्रिया से, अन्योन्य क्रिया, अंतःक्रिया भी कई बार बोल दिया जाता है इंटरेक्शन को, सही शब्द होगा अन्योन्य क्रिया। अन्योन्य क्रिया क्यों? क्योंकि एक एक्शन होता है, एक्शन क्या है, एक्शन इज कॉल्ड रिस्पॉन्स, और ये रिस्पॉन्स आपके अंदर होता है, इस रिस्पॉन्स पे एक बाहरी रिस्पॉन्स होता है। तो जो बाहरी रिस्पॉन्स होता है और आंतरिक रिस्पॉन्स होता है, इन दोनों के बीच जो क्रिया होती है उसे कहते हैं अन्योन्य क्रिया। तो एक क्रिया अंदर और एक क्रिया बाहर, या फिर दोनों ही क्रियाएं अंदर, या दो से ज्यादा क्रियाएं बाहर, पर शुरुआती यही है समझ। तो एक्शन थियोरी में बताया है वेवियर ने इसको, जो मैंने सोशलाइजेशन वाली वीडियो में डिस्कस किया है। तो डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटरैक्शन ऑफ बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल प्रोसेसेस। तो हम यहां पे बात कर रहे हैं तीन चीजों की, हम यहां पे बात कर रहे हैं सबसे पहले बायोलॉजी की, सोशियो इमोशनल की, और हम बात कर रहे हैं कॉग्निटिव की। जब हम बात करते हैं बायोलॉजी की, तो हम सब बायोलॉजिकल एंटिटी हैं, हम एक जैविक यूनिट हैं, जैविक इकाई हैं। तो जैविक इकाई के रूप में हमारा विकास होता है, ऐसे में हमारी बहुत सारी सामाजिक और संवेगीय आवश्यकताएं होती हैं, जो कि कॉग्निशन यानी ज्ञान या संज्ञान से जुड़ी होती है, जिसके लिए हमें इसकी जरूरत होती है, यानी हमें जरूरत होती है लर्निंग की, हमें जरूरत होती है इंटेलिजेंस की, हमें जरूरत होती है रीजनिंग की, और ये सब कॉग्निशन का हिस्सा है। और इन सभी को जोड़ दीजिए तो डेवलपमेंट है। तो विकास क्या है? विकास ये एक क्रिया है जिस रूप में ये चीजें एक दूसरे के साथ काम करती हैं, एक दूसरे के इंटरैक्शन में काम करती हैं। थर्ड इज डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, जिसकी हमने सबसे शुरुआत में बात की। पॉजिटिव चेंज, अ चेंज दैट लीड्स टू अ बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड कंट्री एंड इट्स एनवायरमेंट। तो जो भी डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट यानी विकास, विकास शब्द 1930 तक कभी भी अकेले यूज नहीं किया जाता था। 1930 के बाद डेवलपमेंट का इस्तेमाल होने लगा सॉलिटरी, एक यूनिट वे में, और विकास को फर्दर हम डिस्कस करने लगे अन्य शब्दों के साथ जोड़ करके, जैसे सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो हमने बहुत सारे इसके साथ शब्द जोड़ दिए। तो विकास क्या है? विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है, यानी मल्टीलेटरल, मल्टी एस्पेक्ट्स है, मल्टी डायमेंशनल प्रक्रिया है, जो कि एक दूसरे के साथ जुड़ करके काम करते हैं। तो ये किसी भी रूप में एक बेहतरी को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? एक ऐसा परिवर्तन जो कहीं ना कहीं आपके जीवन को बेहतर कर दे, बेटरमेंट को दर्शाता है, राइट? तो ये तीसरा कैरेक्टरिस्टिक। और चौथा है, इट इज नेसेसरी टू लुक टू डेवलप इन दी एट टोटैलिटी विच इंक्लूड्स ह्यूमन रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड मॉरल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। तो हमें क्या करना है? हमें इसको एक टोटैलिटी में, यानी हमेशा विकास जो होता है वो संपूर्णता में होता है। आपके अंदर कोई एक लर्निंग डेवलप हुई, आप उस लर्निंग को इंटेलिजेंस से सेपरेट नहीं कर सकते, बिकॉज दैट लर्निंग विल हेल्प इन योर इंटेलिजेंस। सो इसलिए योर इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज आर कंबाइंड विद लर्निंग, कॉग्निशन, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो
ये एक टोटालिटी में आपका विकास होता है और आप अपनी जैविक क्रिया सामाजिक क्रियाओं में भी कॉग्निशन का इस्तेमाल करते हैं और कॉग्निटिव में डेफिनेटली आपकी मैच्योरिटी से लेकर के आपकी लर्निंग और दूसरी चीजों का भी इस्तेमाल होता ही है। सो ये एक टोटालिटी में है। तो सबसे पहले हमने जो समझने की कोशिश की कि जब भी विकास होगा तो वो अंतर संबंध में होता है, अंतर संबंधित होता है विकास। दूसरे में हमने देखा एक अन्योन्य क्रिया यानी इंटरैक्शन के रूप में होता है विकास। थर्ड देखा बेटरमेंट के लिए होता है विकास। और फोर्थ पॉइंट देखा कि हम जब भी करते हैं तो इसे टोटैलिटी में संपूर्णता में होता है विकास। ये चार पॉइंट हैं जो कैरेक्टरिस्टिक को दर्शाते हैं विकास की। इसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड। क्योंकि हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हमें यह समझ लेना होगा कि इट वॉज बेंजामिन ब्लूम जिन्होंने कि 1956 में अपने स्टूडेंट्स और सहयोगियों के साथ मिलकर के एक टैक्सोनॉमी सजेस्ट की थी जिसे कहते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी। इसमें एक्चुअल में इन्होंने क्या किया, इन्होंने तीन डोमेन्स में बांटा था व्यक्ति विकास को, तीन डोमेन में बांटा था, पर इन्होंने विकास को नहीं बांटा था, इन्होंने पर्सपेक्टिव लिया था हायर थिंकिंग बेंजामिन ब्लूम जिन्होंने दिया ब्लूम टैक्सोनॉमी। और ये जो 1956 में जो ब्लूम टैक्सोनॉमी दी गई थी ये हायर थिंकिंग को दर्शाने के लिए थी, याद रखेंगे। और हायर थिंकिंग को इन्होंने तीन लेवल पे दर्शाया था इसके अंदर, राइट। जो आप पढ़ते हैं कि पहले मीनिंग, फिर अंडरस्टैंडिंग और फिर एप्लीकेशन। और इसी के साथ इन्होंने तीन अन्य दिए थे इसकी जांच के स्तर। तो ये जो तीन और तीन मिलाकर के सिक्स लेवल्स बनाए थे इन्होंने। लेकिन आप जब भी पढ़ें तो इन तीन को सेपरेट पढ़ें और फिर कनेक्ट करें। तो ये सिक्स लेवल्स बनाए इन्होंने टोटल। तो इसमें जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है या मीनिंग का लेवल है या एप्लीकेशन का लेवल है, ये बेसिकली कॉग्निशन को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? कॉग्निशन को। इसलिए इसे कहा जाता है कॉग्निटिव डोमेन। दूसरा जो कहलाता है वो होता है साइकोमोटर, और तीसरा जो था वो था अफेक्टिव डोमेन। और अब आप देखिए यहां पे यही तीन आयाम हैं, हम इन्हें डेवलपमेंट के लिए भी आज की डेट में यूज करते हैं। क्योंकि डेवलपमेंट, जब आपका डेवलपमेंट बेहतर होगा तो आपकी थिंकिंग भी बेहतर होगी, आप बेहतर सोचेंगे। सो इन दैट वे कॉग्निटिव डोमेन, बिहेवियरल डोमेन, अफेक्टिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन यानी संज्ञानात्मक, बालक के विकास का एक संज्ञानात्मक पक्ष होता है, एक व्यावहारिक पक्ष होता है और एक संवेगीय पक्ष होता है, संवेगात्मक पक्ष। इस तरीके से चाइल्ड के अंदर ये बिहेवियर भी है, कॉग्निशन भी है और अफेक्टिव भी है, सभी तीनों डोमेन के अंदर में होता है। ये जो डोमेन है ये कॉग्निटिव डोमेन को दर्शाता है जिसकी मुख्य रूप से बात होती है। जब हम बालक को समझना चाहते हैं तो हम सबसे पहले उसके कॉग्निटिव डोमेन को समझेंगे, क्योंकि एजुकेशन में सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला डोमेन है वो कॉग्निटिव डोमेन है। जिसपे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो कॉग्निटिव डोमेन है। तो हालांकि हम आज की डेट में अगर हम ये कहें कि रिसर्च एंड अन्य पर्सपेक्टिव से
हम किसी बच्चे को बांटते नहीं हैं डोमेन्स में, बल्कि हम एक बच्चे को एज अ होल चाइल्ड स्टडी करते हैं। लेकिन क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इसको समझना जरूरी है। जैसा मैंने बताया था कि हम एनसीएफ के थ्रू हम क्या पढ़ते हैं, नेचुरलिस्टिक चाइल्ड की बात करते हैं मुख्य रूप से, क्योंकि जो रविंद्रनाथ टैगोर की आइडियोलॉजी है उसको फॉलो किया गया है एनसीएफ 2005 में, और हम उसके कारण बच्चे को एज अ होल पढ़ते हैं। लेकिन क्योंकि पेपर्स में क्वेश्चन इन तीन डोमेन से आते हैं, इसलिए इनको समझना जरूरी है। ये सारी चीजें हम एक्सप्लेन भी करेंगे बाद में। ब्लूम टैक्सोनॉमी में पढ़ा चुका हूं, वीडियो अवेलेबल होगा, आप उसको देख लीजिएगा। खैर, हाउ रिसर्चर्स सॉ द इन्फ्लुएंस ऑफ बायोलॉजिकल हेरेडिटी ग्रोथ नेचर एनवायरमेंट इन डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। होता यह है कि आपका विकास हो रहा है, आप एक बालक के रूप में विकसित हो रहे हैं, ये चीजें प्राचीन काल से ही हैं। अलग अलग थॉट दिए जाते थे, लेकिन जो उसमें सबसे ज्यादा चलता था वो था थियोलॉजी। क्या चलता था? थियोलॉजी, यानी कि धर्म आधारित विचार। फिर आया पुनर्जागरण, और पुनर्जागरण काल में यानी रेनेसा के पीरियड में साइंस का शुरुआत हुआ, विज्ञान की। और अब वैज्ञानिक तरीके से इस बात का अंदाजा लगाना था कि बालक है क्या। भाई थियोलॉजी मतलब धर्म के आधार पे, यानी चर्च और मंदिर तो ये कहा करते थे कि हम सब भगवान के बच्चे हैं, भगवान ने हमें अपने हाथों से बनाया है और हम अपने जीवन को सर्वाइव कर सके, इसलिए पृथ्वी बनाई है और पृथ्वी सेंटर में है और सूर्य और चंद्रमा इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, सूर्य हमें गर्मी देता है और चंद्रमा हमें ठंडक देता है, ये सब भगवान ने बनाया है। बट कॉपरनिकस ने और गैलीलियो ने इस बात को प्रूफ किया कि पृथ्वी सेंटर में नहीं है बल्कि सन सेंटर में है और पृथ्वी चारों तरफ घूम रही है। सिमिलरली व्यक्ति के लिए कहा गया कि हम सब भगवान द्वारा बनाए गए हैं, जानवर जो है वो विकास द्वारा डेवलप हुए हैं, हम जो मानव है मनुष्य है उसका निर्माण भगवान द्वारा स्पेसिफिकली हुआ है और हमारा सोचना समझना, हम डिफरेंट तरीके की ब्रीड है। अब इस पे क्वेश्चन किया गया बहुत सारे रिसर्चर द्वारा। तो ये जो वैज्ञानिक थे, ये जो रिसर्चर्स थे, इन्होंने जिस चीज का अंदाजा लगाना चाहा वो था व्हाट इज मैन। उस वक्त तो मैन ही यूज होता था टर्म, है ना। तो इन्होंने देखा दैट, सबसे पहले तो फिलॉसफी में बात आती है दैट ह्यूमन एनिमल और नॉन ह्यूमन एनिमल। भाई ह्यूमन एनिमल हो गए हम, नॉन ह्यूमन एनिमल हो गए जानवर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। और जब इस डिफरेंस को स्टडी किया जा रहा था शुरुआती, पहले तो मैं बता दूं इसे स्टडी किया था सबसे पहले रेन डेकार्ट ने, फर्दर बहुत सारे लोगों ने इसको स्टडी किया है, रेन डेकार्ट ने स्टडी किया था, एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी में जाने जाते हैं। अब उसके बाद जब वो ये क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ कैसे है, ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ कैसे है। बेसिकली साधारण भाषा में बोला जाए तो रिसर्चर्स का उद्देश्य था आदमी को, इंसान को जानवर से अलग करके देखना। और जब वो इंसान को जानवर से अलग करके देख रहे थे उसी दौरान क्वेश्चन आया ह्यूमन डेवलपमेंट का, और इस पे फिर वीजमैन, मेंडल, लमार्क, डार्विन, इनकी थियोरीज आई। इनमें से पांच महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जिनको पहले समझेंगे और उसके बाद फिर एज वाइज देखेंगे कि बच्चे का विकास कैसे होता है, और उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की बात करेंगे। सबसे पहले आता है वीजमैन की थियोरी, इसे कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं?
साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में वीस्मिन्स थियरी इज नोन एज द कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। ध्यान रखिएगा, कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म थियरी कहलाती है ये। अकॉर्डिंग टू हिम जर्म प्लाज्म स्प्रेड फ्रॉम वन जेनरेशन टू अनदर, देयर इज कॉन्टिन्यूटी इन द जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म वो जर्म प्लाज्म जो हमारे अंदर होता है और वो कॉन्टिन्यूटी में होता है, मां बाप के थ्रू वो बच्चों में आता है किसी भी लेवल पे, और जब वो बच्चों में आता है तो उसी से डिवेलपमेंट होता है बालक का। द ह्यूमन बॉडी ग्रोज फ्रॉम ए जर्म सेल थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, यानी मेटाइटिस। तो वीस्मैन ने सबसे महत्वपूर्ण रोल बोला मेटाइटिस का, कि मेटाइटिस के थ्रू हमारा डेवलपमेंट होता है। पेरेंट्स आर कंसीडर्ड ट्रस्टीज ऑफ जर्म्स रेदर देन द प्रोड्यूसर ऑफ जर्म। ध्यान रखिएगा, क्योंकि फादर मदर ये दोनों मिलकर के जर्म प्लाज्म दे रहे हैं, ठीक है, तो वो आ रहा है किसमें, चाइल्ड में। लेकिन ये चाइल्ड भी तो फर्दर इसको डिवाइड कर रहा है, तो बेसिकली आपके मम्मी पापा के मम्मी पापा से भी कुछ आ रहा है आपके पास। तो आप क्या हो गए, आप सिर्फ ट्रस्टी हैं, यू आर ट्रस्टी ऑफ जर्म प्लाज्म। आपको ये जर्म प्लाज्म मिला है अपने से पहले वाली जनरेशन से, और आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप इसको वसीयत के रूप में आगे दे रहे हैं अगली जनरेशन को। तो आप प्रोड्यूसर नहीं है, यू आर जस्ट ट्रस्टी, ट्रस्टी ऑफ जर्म प्लाज्म। तो वीस्मैन फर्दर स्टेट्स दैट मैन कम्स आउट ऑफ ए मैन एंड नॉट डॉग। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपने एक सेक्शन सुना है, नॉम चॉम्स्की ने जब लैंग्वेज पे काम किया 1950s में, तो उन्होंने इस पे, आजकल वो पॉलिटिक्स पे काम करते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और सिटीजनशिप पे काम कर रहे हैं, तो जब उन्होंने शुरुआती काम किया लैंग्वेज पे साइकोलॉजी में, तो उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि क्योंकि इंसान की औलाद इंसान होगा, कुत्ते की औलाद कुत्ता होगा, इसलिए कुत्ते की औलाद भौंकेगा और इंसान की औलाद बोलेगा। यानी कि आपके अंदर जो विकास होता है भाषा का, उसका डिटर्मिनिज्म बायोलॉजिकल भी है, राइट। सो यही, ये बात कहां से आई थी, ये बेसिकली ये वीस्मैन से आई थी कि आप जर्म प्लाज्म से बने हैं, आपके अंदर जिसका जर्म प्लाज्म होगा आप उसी के जैसे होंगे। दिस इज फर्स्ट थिंग। तो इसने क्या कहा, साइटोलॉजी पे काम था, जर्म प्लाज्म थ्योरी की कंटिन्यूटी की बात की इन्होंने, मेटाइटिस को मुख्य कारण माना, और इन्हें, इन्होंने पेरेंट्स को ट्रस्टीज कहा है, नॉट द प्रोड्यूसर, याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं गाल्टन्स बायोमेट्रिक थ्योरी, गाल्टन की बायोमेट्रिक थ्योरी। एंड व्हाट इज गाल्टन्स बायोमेट्रिक थ्योरी, गाल्टन की बायोमेट्रिक थ्योरी ये है कि भाई आपके अंदर जो आधे गुण होते हैं वो तो आते हैं आपके मम्मी पापा से, और 1/4 आते हैं उनके मम्मी पापा से, और फिर 1/8 आते हैं उनके मम्मी पापा से, और फिर 1/16 आते हैं उनके मम्मी पापा से, और ये कॉन्टिन्यूटी में होता है, और इसी के जुड़ने से आपका निर्माण होता है। आप देखिए इसमें कहीं ना कहीं आपको वो जो वीस्मैन की थियरी है उसकी कॉन्टिन्यूटी भी मिलेगी यहां पे, कि सब जगह से जर्म प्लाज्म आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आपके अंदर गुण उसके होंगे आप जिसकी बिल्कुल संतान है, यानी कि आपके माता पिता के। परंतु इसका मतलब यह है कि आपके दादा दादी के भी आपके अंदर गुण होंगे, नाना नानी के भी गुण होंगे, और इसका मतलब यह है कि उनके पहले वालों के भी गुण होंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडीज ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ वेरियस ट्रेट्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, गाल्टन फॉर्मुलेटेड हिज फाइंडिंग्स दैट हेरिडिटी डज नॉट पास इमीडिएटली टू द पेरेंट्स बट टू द एंसेस्टर्स। उन्होंने लगातार बहुत सारी जनरेशंस पे इसको ट्राई किया, और उन्होंने इस बात को कंक्लूड किया कि जो हेरिडिटी है वो केवल आपके इमीडिएट पेरेंट्स को ही तक ही नहीं जाती, बल्कि आपके एंसेस्टर्स तक भी, आपके पूर्वजों तक भी जाती है। तो पूर्वजों से मिले हैं आपको ये गुण, राइट। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स
डिक्रीजेस इन डेफिनेट प्रोपोर्शन, और आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं और उनके जो पेरेंट्स थे यानी कि ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन जो होते हैं आपके जीन में वो धीरे धीरे घटते जाते हैं, लेकिन एक पैटर्न में। इन्होंने किसकी चीज की बात की यहां पे? इन्होंने बात की डिक्रीज इन ए डेफिनेट पैटर्न, मतलब हाफ होते जाते हैं। तो वन हाफ 50% हेरिडिटी कम्स फ्रॉम पेरेंट्स, 25% फ्रॉम मदर एंड 25% फ्रॉम फादर, 1/4 यानी कि 25% ऑफ हेरिडिटी कम्स टू ग्रैंड पेरेंट्स, 1/8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, 1/16 ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। इस तरीके से इन्होंने इसको थियराइज किया कि इस सम्मिश्रण का रिजल्ट कौन है। इस सम्मिश्रण का रिजल्ट है बालक जिसकी हम बात कर रहे हैं, राइट। यानी कि जैसे जैसे नेक्स्ट जनरेशन आती है वैसे वैसे पिछली जनरेशन का कॉन्ट्रीब्यूशन कम होता जाता है, और इसी पे जो भारतीय थॉट है दैट 7 जनरेशन, जब हम बोलते हैं कि 7 पीढ़ियां, तो 7 पीढ़ियों का थॉट इसी पे है, क्योंकि वो वैल्यू बहुत बिलो हो जाती है, नेग्लिजिबल हो जाती है 7 पीढ़ियों के बाद। तो इसलिए वो इसी तरीके की थियरीज का रिजल्ट है। नेक्स्ट इज मेंडलिज्म। मेंडलिज्म यानी कि मेंडल का आपने नाम पढ़ा है, कहां पढ़ा है? आपने अपनी साइंस की किताब में पढ़ा है मेंडल का नाम। मेंडल ने बहुत बड़े बड़े काम किए थे, पर हम जिस काम की बात कर रहे हैं उस पे आते हैं। देखिए, होता यह है कि अगर आपके अंदर, क्या आपका चेहरा, आपका हाव भाव, नाक, खास करके आंखों का कलर आपके मम्मी पापा जैसा है, राइट? लेकिन क्या सब कुछ बिल्कुल मम्मी पापा जैसा है? नहीं है, आदतों से लेकर के और बहुत सारी चीजों तक। तो फिर ऐसा क्यों नहीं है? तो इन्होंने कहा कि हमारे पास जब हमारे अंदर कोई जीन आता है तो उसमें से कुछ तो ऐसा होता है जो कि सो जाता है, सोया रह जाता है। हो सकता है मम्मी पापा से कोई जीन आया, मम्मी पापा के अंदर उनके मम्मी पापा से आया था, तो उनके जो पेरेंट्स वाले जीन है वो भी हमारे अंदर ट्रांसफर हुए हैं कुछ इस तरीके से। ये चार्ट आपको मिल जाएगा, बुक में दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 7 जैसा कि मैंने आपको बताया उसके अंदर ही दिया हुआ है। तो अब तो ये जो जीन आ रहे हैं आपके, ये यहां पहुंचे, ये यहां पहुंचे। अब हो सकता है कि मदर से आपके अंदर हेयर कलर आ गया, ठीक है ना, लेकिन मम्मी के बालों की लेंथ कम है और ये लेंथ आपके अंदर ग्रैंड मदर से आई। तो जो मम्मी के बालों की लेंथ के लिए जो जीन में जर्म प्लाज्म होगा, वो जो कोडिंग होगी वो स्लीप हो गई यानी सो गई, सुषुप्त अवस्था में चली गई, लेकिन ये जो जीन था ये एक्टिव हो गया। तो इसे कहते हैं एक्टिव और रिसेसिव। तो एक रिसेसिव जीन होता है, एक एक्टिव होता है। तो जो रिसेसिव है वो रिसेसिव हो जाता है, यानी कि वो नजर नहीं आता लेकिन वो आपके अंदर होता है। वो आपके मम्मी पापा में भी था लेकिन वो उस वक्त रिसेसिव था, और जब वो आप में आया तो वो रिसेसिव जीन जो मम्मी पापा में रिसेसिव था वो आप में एक्टिव हो गया। इस तरीके से वेरिएशंस आती हैं, और हमारे अंदर बहुत हद तक जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात हुई उसको यहां से समझाने की बात की गई कि हम इंडिविजुअली डिफरेंट हैं फिर भी हम सेम हैं, और हमारी आदतों से लेकर के हमारे लगभग सभी बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को आप किसी ना किसी पिछली पीढ़ी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। तो इट इंक्लूड सर्टेन फीचर्स विद अदर्स वाइल अदर्स डू नॉट। कुछ ऐसी फीचर्स होती है जो इंक्लूड हो जाती हैं, यानी कि वो एक्टिव है। और सेग्रीगेशन ऑफ प्योर गैमेट्स अकॉर्डिंग टू विच द यूनिट फैक्टर ऑलवेज कीप पर्सनैलिटी। मतलब कि ये है कि जो फैक्टर ऐसे होते हैं जो एक्टिव हैं वो मिल करके एक आपकी पर्सनैलिटी का निर्माण करते हैं, लेकिन उस पर्सनैलिटी के अंदर सुषुप्त अवस्था में यानी कि रिसेसिवली दूसरे जीन भी मौजूद हैं, राइट?
तो ये थियोरी दी किसने? मेंडल ने दी। तो मेंडल ने मेंडलिज्म की बात की, जिसमें कि उन्होंने कहा, ये एक ऑस्ट्रेलियन बॉटनिस्ट थे, ट्राई टू एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंटली टू डिफरेंशिएट द ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम द पेरेंट्स। पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग से उन्होंने बात की थी, जिसमें उन्होंने पीज यानी मटर के दानों पर काम किया था। ही कैरिड आउट एन एक्सपेरिमेंट बाय क्रॉसिंग जायंट पीज विद ड्वार्फ पीज फ्रॉम सेवरल जनरेशंस एंड स्टेटेड इन हिज लॉज दैट। और इन्होंने जायंट पीज यानी कि जो बड़े मटर के दाने थे, उससे छोटे मटर के दानों को क्रॉस वो करवाया, और उसका जो रिजल्ट हुआ उसके आधार पे इन्होंने थियराइजेशन दिया। ही वॉज मेंडल, राइट। नेक्स्ट डार्विन। डार्विन के केस में ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज वो बुक है जो कि इन्होंने लिखी थी 1859। जगह थी गैलपगोस आइलैंड, जहां पे इन्होंने काम किया था। गैलपगोस आइलैंड में इन्होंने जिस पे काम किया वो थी फिंचेस बर्ड। याद रखिएगा, फिंचेस बर्ड। ये फिंचेस बर्ड हैं, इनमें से बहुत सारी ऐसी हैं जिनका नाम रखा गया डार्विन फिंच, राइट। सो डार्विन की जो थियरी है उसे थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसमें प्रिंसिपल रखा गया इवोल्यूशन का, यानी विकास सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका नाम ही है विकास सिद्धांत। यही व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे ज्यादा झटका दिया थियोलॉजी को। थियोलॉजी यानी कि चर्च, जो कि अब तक कह रहा था कि हम भगवान के बच्चे हैं, इन्होंने इस पे बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ने कुछ पूछा है भाई? सर, ग्रैंड पेरेंट्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है, जैसे पेरेंट्स दो होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स चार होते हैं और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स आठ होते हैं, इस डिवीजन का ही फर्क पड़ता होगा। हाँ, बिकॉज जो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से जो चीजें आ रही हैं उसमें जो हमारे अंदर जो ट्रांसफर कर रहा है वो, एक तो नंबर बढ़ता है, दूसरी बात है कि जो गुण होते हैं वो जब ट्रांसफर होते हैं तो वो डिवीजन में होते हैं, इक्वल में। और जब ये इक्वालिटी मेंटेन होती है तो जो आपके अंदर जीन्स हैं वो टोटल में ट्रांसफर हो रहे हैं, तभी तो ट्रस्टी है ना वो। तो बेसिकली सब कुछ कहां से मिला है? पेरेंट्स से, और पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स से। तो वो जो हर बार जो गुण है वो वही आ रहे हैं आपके अंदर, वो सारी चीजें आपके अंदर ट्रांसफर हो रही हैं, बस फर्क ये है कि कौन से रिसेसिव हैं और कौन से एक्टिव हैं, ये डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जो कारण है वो एक्टिव और रिसेसिव जीन है, ये थियरी थी, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही जो आपने पूछा है। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, नेचुरल सिलेक्शन ऑफ चेंजेस इन डेवलपमेंट ऑफ लाइफ इज प्रोड्यूस्ड बाय म्यूटेशन। याद रखिएगा, म्यूटेशन के द्वारा हमारे अंदर ये होता है, म्यूटेशन मतलब सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट। अब ये सेल्फ डेवलपमेंट कैसे होता है? सेल्फ डेवलपमेंट के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नीड, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नीड। इन्होंने कहा कि हमारे अंदर म्यूटेशन होता है हमारे परिवेश के आधार पे, जैसी हमारी जरूरतें होती हैं वैसे हम ढल जाते हैं, जैसी हमारी जरूरतें होती हैं उसी प्रकार से हम ढल जाते हैं। और ये जो ढलने की प्रक्रिया है ये बहुत स्लो होती है, इसलिए ये हम नजर से देख नहीं पाते। अब ये प्रक्रिया होती है फॉर एग्जाम्पल 500 ईयर्स में, ठीक है जी, हुई है 500 ईयर्स में, लेकिन हमने इसे देखा केवल 50-40 ईयर्स या 70 ईयर्स। तो 70 ईयर्स में हमें नजर नहीं आती, बेसिकली ये 5000 या 5 लाख साल तक चलती रहती है, तब जाकर के ये प्रक्रिया होती है। मैंने तो एक बहुत छोटा नंबर लिया है,
आपकी एज है 70 इयर्स, तो 70 इयर्स में आपको ये परिवर्तन नहीं दिखते। ये कुछ वैसा ही है जैसे कि एक भूकंप आने के लिए प्लेट्स हिलती हैं, पर ये प्लेट्स का हिलना लगभग कई करोड़ वर्षों में होता है और हमारा जीवन है 70 इयर्स। तो अगर हमारे आसपास कोई प्लेट हिल भी रही हो तो हमें दिखती नहीं, नजर नहीं आती, क्योंकि वो प्रभाव बहुत छोटा होता है, तो उसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा है हमारे जीवन काल के आधार पर। तो डार्विन गोज वन स्टेप अहेड ऑफ वीजमैन, वीजमैन से एक स्टेप आगे जाकर के, गाल्टन से और मेंडल से एक स्टेप आगे जाकर के, उन्होंने कहा कि जो जानवर हैं उन जानवरों से ही हमारा विकास हुआ है, राइट? और ये चर्च के लिए बड़ी प्रॉब्लमैटिक चीज थी। खैर, व्हेन ही डिस्क्राइब्स हाउ जीन म्यूटेशन प्रोड्यूस न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स इन ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग में कैसे नई कैरेक्टरिस्टिक डिवेलप होती हैं, ही एम्फसाइज्ड द एनवायरमेंटल एक्शन ऑन द ऑर्गेनिज्म। इन्होंने किसकी बात की? एनवायरमेंटल एक्शन की बात की, यानी कि जो हमारा वातावरण है उसकी जो क्रिया होती है, उसका जो प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, उसकी बात की। द फॉलोइंग इज द रिकॉग्निशन ऑफ हिज थियरी, और ये जो दिया हुआ है ये उनकी थियरी का रिकॉग्निशन है। एनवायरमेंट कॉजेज द एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रगल एंड क्वालिफिकेशन ऑफ लाइफ। एनवायरमेंट आपके एग्जिस्टेंस और आपके संघर्ष के लिए आपको क्वालिफाई करता है, यानी कि एनवायरमेंट आपके सामने चैलेंजेस डालता है, फिर आप अपनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी को डिवेलप करते हैं ताकि आप उस एनवायरमेंट में सर्वाइव कर सकें, जिससे आप क्वालिफाई करते हैं। कॉन्सिक्वेंटली वेरिएशन अराइजेस, इसी के कारण आपके अंदर विविधताएं उत्पन्न होती हैं, विच आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन, और फिर वो जो विविधता होती है वो ट्रांसमिट हो जाती है। तो अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि भाई आपने 1/4 तो लिया अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, हाफ लिया आपने अपने पेरेंट्स से, लेकिन यहां पे एनवायरमेंट ने आपके अंदर कुछ चेंजेस ला दिए। अब जो चेंजेस ला दिए आपके अंदर वो आपके एग्जिस्ट करते हैं, तो ये 1/4 का हिस्सा, ये 1/2 का हिस्सा और ये एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण जो आपके अंदर चेंजेस आए हैं, वो सारी चीजें ट्रांसफर हो गई अगले जीन तक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स रहा करते थे गांव में, राइट? उन्हें पेड़ों पे चढ़ना होता था, घर ऊंचे होते थे तो सामान ऊंचाई पे रखा होता था, उन्हें कुएं से पानी निकालना होता था, उन्हें तैर करके नदी पार करनी होती थी, इसलिए उनकी लंबाई, उनकी हाइट ज्यादा होती थी। जैसे जैसे आपका शहरीकरण होने लगा और इस शहरीकरण के कारण आपकी जितनी भी चीजें थी वो सब आ गई आपके एक्सेसिबल क्षेत्र में, तैरना बंद हो गया, घरों की जो ऊंचाई थी वो कम हो गई। अब घरों की ऊंचाई कम हो गई तो जो अलमारियां बनी हुई थी वो भी नीचाई में हो गई, और इसलिए फिर पेड़ों पे चढ़ने का आपका काम नहीं रहा। इन सब के कारण धीरे धीरे हाइट कम होने लगी। तो जो अब अगली जनरेशन आ रही हैं, क्योंकि शारीरिक बल क्षमता और जरूरतें वैसी नहीं है, इसलिए उनकी हाइट कम होती जा रही है। तो आज की डेट में एवरेज हाइट जो ह्यूमन बींग की है वो कम हो रही है, और पहले ये एवरेज हाइट ज्यादा हुआ करती थी। ये इसको देख सकते हैं, ये वेरिएशन है जो कि एनवायरमेंट के कारण अराइज हुए हैं। इन दिस वे नेचुरल सिलेक्शन इज डन, और इसमें क्या होता है, जो आपका नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है, वो सिलेक्ट हो जाता है, यानी कि धीरे धीरे आपके कान गायब हो रहे हैं, आपकी पूंछ गायब हो चुकी है, तो क्योंकि उसकी जरूरत खत्म हो गई, और जिन चीजों की आपको जरूरत हो गई वो चीजें डिवेलप हो रही हैं आपके अंदर। क्या डिवेलप हो रहा है आपके अंदर? तो आपके कुछ बाल रह गए लेकिन ज्यादातर बाल चले गए, लेकिन आपकी जो बौद्धिक क्षमता है, आपकी जो बौद्धिक क्षमता है वो एक अलग तरीके से चेंज हो रही है, एनवायरमेंट का प्रभाव है। इसीलिए जो आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसमें बहुत ज्यादा मैथमेटिकल एक्यूमेन का विकास देखा जा सकता है। इस पे अभी हाल ही में कोई 20 साल पहले एक
रिसर्च चालू हुई थी और अभी भी वो कंटिन्यू है, इंग्लैंड में चल रही है, कि क्या अगर हम पिछली 4 सदियों को ध्यान में रखें तो क्या इस सदी में जेन्युइनली जो नेचुरल मैथमेटिकल एक्यूमेन वाले जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या ज्यादा है क्या, जिनके अंदर पैदाइशी मैथमेटिकल एक्यूमेन होता है, इन्हें मैथमेटिकल गीक भी कहा जाता है, तो क्या इनकी संख्या ज्यादा हो रही है, क्या ये भी नेचुरल सिलेक्शन का ही हिस्सा है, इस पे बात चल रही है, इस पे रिसर्च चल रही है, तो जब कुछ आउटकम होगा तो मैं आपसे शेयर करूंगा। मतलब इस तरीके का काम है, यानी ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं। इसके बाद लास्ट आते हैं लेमार्क, लेमार्क की थ्योरी। लेमार्क थ्योरी सेज कि इसको कहते हैं एवोल्यूशन थ्योरी, यानी ये भी इवोल्यूशनरी थ्योरी के रूप में देखी जाती है। देयर थ्योरी इज बेस्ड ऑन हिज थ्योरी इज बेस्ड ऑन टू एजम्पशंस। वन इज लेमार्क हैज टॉक्ड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ हॉर्मी, हॉर्मी की प्रेजेंस की बात की है इन्होंने, विच नेम्स द इनर अर्ज, जो आंतरिक इच्छा, अब ये आंतरिक इच्छा क्या है, आंतरिक इच्छा क्या है भाई, एक जगह है जहां पे कि पेड़ जो है भाई ज्यादा पत्ते कहां पे हैं, ऊपर, जो पेड़ छोटे हैं उन पे पत्ते कम हैं। अब जिराफ की भूख ज्यादा है तो उसकी गर्दन लंबी हो जाती है क्योंकि उसे ऊंचे पेड़ों से ये खाना है, पर ये एक दिन में तो नहीं हुई, उसके एनवायरमेंट का प्रभाव ये लगातार पड़ा है और इस लगातार प्रभाव के कारण ऐसा हुआ है। कॉकरोच जैसे आज हैं वैसे ही वो प्राचीन काल में भी थे, लेकिन अलग अलग जगहों पे उनके रिहाइश में, उनके तरीके में वेरिएशन आया है क्योंकि उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया नई सिचुएशन के आधार पे। तो ये जो अडेप्टेबिलिटी है ये आंतरिक इच्छा की वजह से होती है, इनर अर्ज की वजह से होती है, एंड हेरिडिटरी की वजह से। तो हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक विद इन द ऑर्गेनिज्म, तो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर उस आंतरिक इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ हेरिडिटरी यानी कि जैविक यानी कि अनुवांशिक गुण होते हैं, उनके इंटरैक्शन की वजह से उसमें परिवर्तन आता है। द ट्रांसमिशन ऑफ अक्वायर्ड वेरिएशंस टू द ऑफस्प्रिंग, और जो प्राप्त किए गए गुण होते हैं, जो नए प्राप्त किए गए गुण होते हैं वो अगले लेवल पे ट्रांसफर हो जाते हैं, जिस चीज के लिए डार्विन ने किसी भी जीव की एनवायरमेंट को ज्यादा महत्ता दी, वहां पे लेमार्क ने एनवायरमेंट और जैविक यानी अनुवांशिक दोनों ही कारणों के इंटरैक्शन को ज्यादा महत्ता दी है। यही डिफरेंस है, और कोई खास डिफरेंस इसमें है नहीं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं